नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको तेनालीराम की कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम इस पाठ के अगले विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा आज का विषय है वचन। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वचन की परिभाषा बताती हूँ। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखो बच्चों, जब हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जब हमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे किताब एक किताब से एक वचन का बोध होता है, और हमें किताबे शब्द से बहुवचन शब्द का बोध होता है। इसी प्रकार अन्य कई उदाहरणों द्वारा वचन परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे लड़का लड़के, खिलौना खिलौने। इसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जिन शब्दों का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, जनता आकाश नल गिनती आदि। और कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे सोना धन प्राण भाग्य आदि। तो इसी प्रकार बच्चों, आपको वचन के बारे में पता लग गया होगा। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आओ करे 4 और आओ करे 5 का अभ्यास कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद।